डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और एक्सरसाइज 4.1 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से बनाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा ये स्टेटमेंट को पीएन मान लेंगे और P1 के लिए ये प्रूफ हम करेंगे और उसके बाद पीके के लिए वैसे ही हम लोग मान लेंगे कि ये प्रूव्ड है, पीके के लिए ये ट्रू है और उसके बाद पीके प्लस वन के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में पीएन हमारा है एन टर्म का सम, तो हम लोग P1 मतलब यहाँ पीएन मतलब एन टर्म का सम, तो P1 मतलब वन टर्म होगा, तो इसलिए P1 में वन स्क्वायर, वन इंटू टू माइनस वन दैट इज वन और 3/3, तो वन के लिए तो ट्रू है, तो क्लियरली P1 is true, क्यों ना S P1 मतलब हुआ वन स्क्वायर LHS में, RHS में होगा वन, टू इंटू वन माइनस वन, टू इंटू वन प्लस वन बाई थ्री दैट इज वन। ओके, ये वन वन थ्री, थ्री कैंसल आउट हो जाएगा और इस तरह से वन, तो यानी P1 ट्रू है। अब हम लोग लेट पीके इज ट्रू ये मान के चलेंगे, इज ट्रू दैट मीन्स पीके क्या होगा, नयन के जगह पर के बैठा के होगा वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू टू एन माइनस वन होल स्क्वायर एन टर्म, और एन के जगह पर के बैठा देंगे तो टू के और ये हो जाएगा k इंटू टू के माइनस वन इंटू टू के प्लस वन होल बाय थ्री, और ये हम लोग टू मान लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना पी के प्लस वन के लिए टू दिखाएंगे, यानी ये k टर्म है तो एक टर्म और बढ़ा देते हैं। देयरफॉर टू प्रूव पी के प्लस वन, पी के प्लस वन को हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे, क्या होगा ना वन स्क्वायर के प्लस वन एल्स टर्म हम लोग जोड़ देंगे, टू के माइनस वन होल स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे और एक टर्म यानी टू इंटू के प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा के इंटू 2k माइनस वन, 2k प्लस वन बाय थ्री प्लस यहाँ हो जाएगा 2k प्लस टू माइनस वन दैट इज 2k प्लस वन होल स्क्वायर, 2k प्लस वन होल स्क्वायर, तो दोनों तरफ हम लोग 2k प्लस टू माइनस वन दैट इज 2k प्लस वन होल स्क्वायर जोड़ दिया। अब हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे, 2k प्लस वन बाय थ्री कॉमन लेते हैं, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 2k प्लस 1 बाय 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा k इंटू 2k माइनस 1 दैट इज 2k स्क्वायर माइनस k और यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 2k प्लस 1 का कि बाय 3 कॉमन लिए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा k 2k प्लस 1 ना कॉमन आया, 2k प्लस 1 कॉमन आया, 2k प्लस 1 बाय 3, तो यहाँ 2k प्लस 1 बाय 3 ये हो जाएगा हमारा 2k स्क्वायर 6 प्लस 5k प्लस 3। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा देयरफॉर 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड सो ऑन 2k माइनस 1 होल स्क्वायर इज प्लस, ये k प्लस 1 टर्म का निकाले थे, 2k प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 2k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये सम इक्वल टू क्या हुआ ना 2k प्लस 1 बाय 3 इंटू 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 जो कि हमारा
स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये होगा, यानी ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसको बना रहे हैं। ऐसे भी हमको देखना है कि k प्लस वन कॉमन आना चाहिए k प्लस वन, और यहाँ पर होगा 2k प्लस थ्री आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग, ये हो गया बाय थ्री, यहाँ पर k प्लस वन कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा 2k प्लस थ्री, यानी हो गया k प्लस वन एन के जगह k प्लस वन और 2n k प्लस वन, और उसके बाद होगा 2 इंटू k प्लस वन दैट इज 2k प्लस वन, 2k प्लस वन फिर 2 इंटू k प्लस वन प्लस वन, तो हो जाएगा 2k प्लस थ्री बाय थ्री, यानी हमारा हो गया n k प्लस वन के जगह पर n 2 इंटू k प्लस वन 2n माइनस वन इंटू 2 इंटू k प्लस वन प्लस वन बाय थ्री, दैट इज n 2n माइनस वन 2n प्लस वन, यानी p k प्लस वन इज ट्रू व्हेन p k इज ट्रू, pk is true. This implies, therefore by principle of mathematical induction, pn is true for all n belongs to the set of natural number. ये प्रूव करना था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी सिमिलर से बनाएगा, सिमिलरली जैसे हम लोग पी एन मान लेंगे पूरे स्टेटमेंट को, और उसके बाद एन इजकल टू वन के लिए हम लोग देखेंगे फॉर पी वन, पी वन के लिए एल एच एस होगा क्या, एल एच एस हो जाएगा वन बाई वन इंटू फोर, आर एच एस क्या हो रहा है, आर एच एस होगा 1 by 3 into 1 plus 1, that is 1 by 4, यानी LHS RHS बराबर है, LHS equal to RHS, तो this implies P1 is true, तो हम मान लेंगे, let PK be true, PK be true, तो PK अगर true है, PK तब क्या होगा, that means 1 by 1 into 4, 1 by 4 into 7, 1 by 7 into 10, करते हुए 1 by 3k minus 2 into 3k plus 1 is equal to होगा k by 3k plus 1, इसको हम लोग 2 मान लेंगे, यह हम मान लेंगे कि यह pk is true है, तो पी के अगर सही है तो पी के प्लस वन प्रूव करना है, तो पी के प्लस वन को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ फॉर पी के प्लस वन क्या होगा, ना वन बाई के प्लस वन टर्म पी के में जोड़ देंगे एक टर्म और, तो फोर सेवन एंड सो वन, के टर्म है थ्री के माइनस टू इंटू थ्री के प्लस वन, और एक के प्लस वन स्टर्म क्या होगा, ना एन के जगह के प्लस वन, तो थ्री के प्लस थ्री माइनस टू दैट इज थ्री के प्लस वन इंटू थ्री के प्लस थ्री प्लस वन दैट इज थ्री के प्लस फोर इक्वल टू हो जाएगा के बाय 3k प्लस 1 प्लस 1 बाय 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4 दैट इज k प्लस 1 इस टर्म को दोनों तरफ जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे तो होगा 3k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 4, और ये k इंटू 3k प्लस 4
प्लस वन, ये हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन, देयरफॉर वन बाय वन इंटू फोर, वन बाय फोर इंटू सेवन करते हुए के प्लस वन टर्म के लिए, दैट इज थ्री के प्लस वन, थ्री के प्लस फोर इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री के प्लस वन इंटू थ्री के प्लस फोर, और इधर होगा थ्री के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन, ये होगा। तो दिस इक्वल टू थ्री के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस वन, थ्री के प्लस वन, थ्री के प्लस फोर। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा थ्री के प्लस, थ्री के कॉमन लेंगे के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन, तो के प्लस वन होल कॉमन आ जाएगा, यहाँ होगा थ्री के प्लस वन, तो थ्री के प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो होगा हमारा के प्लस वन बाय थ्री इंटू के प्लस वन प्लस वन, दैट इज एन बाय के प्लस वन, देयरफॉर के प्लस वन का सम के प्लस वन बाय थ्री एन प्लस वन, दैट इज थ्री इंटू के प्लस वन प्लस वन, यानी पी के प्लस वन, देयरफॉर पी के प्लस वन हमारा ट्रू हो जा रहा है, इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन रूट। ओके, ये हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी वैसे ही पी एन हमारा स्टेटमेंट को मान लिया, यानी पी एन इज दिस, और उसके बाद हम लोग पी वन के लिए देखेंगे फॉर एन इज इक्वल टू वन, एल एच एस क्या होगा, एल एच एस होगा वन बाय थ्री इंटू फाइव, दैट इज वन बाय फिफ्टीन, आर एच एस हो रहा है हमारा, आर एच एस हो रहा है वन बाय थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस थ्री, दैट इज वन बाय फिफ्टीन, यानी दिस इम्प्लाइज एल एच पी वन हमारा ट्रू हो जा रहा है, एल एच एस आर एच एस बराबर है, दिस इम्प्लाइज पी वन इज ट्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, नमाल लेंगे लेट पी के बी बी ट्रू, पी के हमारा ट्रू मान लेंगे, यानी पी के इज इक्वल टू क्या होगा, पी के इज हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू फाइव, वन बाई फाइव इंटू सेवन एंड सो ऑन, वन बाई टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री इज इक्वल टू होगा के बाई थ्री इंटू टू के प्लस थ्री। ये हम लोग मान लिया कि के टर्म के लिए ये सही है। अब के प्लस वन टर्म के लिए हम लोग प्रूव करेंगे कि यह सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, के प्लस वन टर्म दोनों तरफ जोड़ देंगे, के प्लस वन नाउ फॉर पी के प्लस वन, पी के प्लस वन के लिए हम लोग देखेंगे नाउ फॉर पी के प्लस वन क्या होगा ना, वन बाय थ्री पाई थ्री फाइव, थ्री फाइव वन बाय फाइव इंटू सेवन करते हुए केथ टर्म है टू के प्लस वन इंटू टू के प्लस थ्री, प्लस के प्लस वन टर्म और जोड़ देंगे एक टर्म, तो टू के प्लस टू प्लस वन, दैट इज टू के प्लस थ्री इंटू टू के प्लस फाइव, दोनों तरफ जोड़ देंगे तो हो जाएगा के
दिस इक्वल टू हो जाएगा के बाई थ्री इंटू टू के प्लस थ्री प्लस वन बाई टू के प्लस थ्री इंटू टू के प्लस फाइव. ओके दिस इक्वल टू थ्री इंटू टू के प्लस थ्री इंटू टू के प्लस फाइव के इंटू इंटू के इंटू टू के प्लस फाइव. टू के प्लस फाइव यहाँ पर होगा थ्री. ओके अब हम लोग आगे इसको देखते हैं क्या हो रहा है. हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है वन बाई थ्री होल इंटू टू इंटू टू के प्लस वन, दैट इज टू के प्लस फाइव वन के प्लस वन बाई थ्री इंटू टू के प्लस फाइव हमको प्रूफ करना है. तो इसलिए के प्लस वन टर्म का सम क्या होगा, वन बाई थ्री फाइव, वन बाई फाइव सेवन एंड सो वन. के प्लस वन टर्म का सम दैट इज टू के प्लस थ्री इंटू टू के प्लस फाइव. दिस इक्वल टू हो जा रहा है टू के स्क्वायर प्लस फाइव के, टू के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस थ्री बाई थ्री इंटू टू के प्लस थ्री इंटू टू के प्लस फाइव. ओके तो हो जाएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म टू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री के प्लस थ्री. तो ये थ्री इंटू टू के प्लस थ्री इंटू टू के प्लस फाइव. तो हम लोग पहला फर्स्ट टू टर्म से टू के कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा के प्लस वन, यहाँ भी के प्लस वन, के प्लस वन होल कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर होगा टू के प्लस थ्री बाई थ्री इंटू टू के प्लस थ्री इंटू टू के प्लस फाइव. टू के प्लस थ्री कैंसल तो एन के जगह पर हो गया के प्लस वन बाई थ्री इंटू टू के प्लस वन प्लस थ्री. यानी दिस इंप्लाइज पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेन पी के इज ट्रू. देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. हेंस पुट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 हुआ. नेक्स्ट डे हम लोग बाकी क्वेश्चन बनाते हैं. ओके थैंक यू.